हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो का रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे आज सुबह सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके व्यूअर्स, चलिए निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं। इससे पहले कि मैं अच्छे से कार्ड शफल करके आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूं, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए है। आपका जो भी जोडियक साइन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहेगी। ओके व्यूअर्स, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है और आप किसी के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, अपने एक्स के लिए, अपने नेक्स्ट पार्टनर के लिए या फिर प्रेजेंट पार्टनर के लिए, जिसके लिए भी आप चाहें इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस जिसके लिए भी देख रहे हैं उसे अपने माइंड में रखते हुए इस रीडिंग को देखें। ओके व्यूअर्स, सो अभी तक जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो आए हैं आइसोलेशन, एग्जिस्टेंस, द आउटसाइडर, गिल्ट, गाइडेंस, साइलेंस, इंटेग्रेशन एंड अबंडेंस। ओके, देखा ना व्यूअर्स आपने कि ये पर्सन ना कितना दुखी है आपके बिना, और सुबह से ही आपको याद किए जा रहा है, आपके साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रहा है, आपके साथ बिताए पास्ट के वो लम्हे ये भुलाए नहीं बुला पा रहे हैं। ये पर्सन ना अपने पास्ट के गिल्ट में जी रहे हैं। इस पर्सन ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है अपने पास्ट में जिसका गिल्ट इन्हें आज भी परेशान करता है। ये गिल्ट ना इन्हें किसी भी रिलेशनशिप में रहने नहीं देता है। ऐसा लगता है इस पर्सन ने अपने पास्ट में कुछ तो ऐसा बहुत कुछ गलत कर दिया है जिसका गिल्ट आज भी इस पर्सन के दिल में है। जब कभी भी ये किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं ना, वो गिल्ट इनके साथ जाता है, जिसकी वजह से ये किसी भी रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं कर पाते। इन्होंने आपके साथ भी जस्टिस नहीं किया, आपका काफ़ी दिल दुखाया है, काफ़ी दिल तोड़ा है ना। ये पर्सन अब इस वक्त सुबह से ही शांति की तलाश में है। ऐसा लगता है इस पर्सन को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये पर्सन ना बहुत इमोशनल हो रहा है और एकांत में बैठा आप ही को मिस किए जा रहा है, आप ही की यादों में खोए हुए है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन अकेला हो गया है, अब इसका कोई नहीं है आपके सिवा। ये पर्सन आपको अपनी यादों में ही रखे हुए है, बट इसकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, आपसे मुलाकात करने की। इस पर्सन को ऐसा लगता है जब आप इसके साथ थे तो कितनी खुशियां थी इसके जीवन में, अबंडेंस ही अबंडेंस थी इसकी लाइफ में, और आज इसका क्या हाल हो चुका है। इसने ख़ुद को आइसोलेट कर लिया है, अपनी ही गलतियों पर पछता रहा है ये पर्सन, और ऐसा लगता है ये पर्सन ना काफ़ी नेगेटिव हो गया है। ये पर्सन इस उम्मीद में है कि कहीं से कोई रोशनी इसकी तरफ आए और इसे इस गिल्ट से निकाल सके। इस पर्सन को ना किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, इसकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो इसे गाइड कर सके, इन्हें बता सके कि कहाँ कहाँ ये गलत हैं। बट ये पर्सन ना खुद की गलतियों को खुद ही रियलाइज़ कर पा रहा है, यानी कि जितना इससे बन पड़ रहा है ये उतना कर रहा है अपने लिए, अपने आप को उस गिल्ट से निकालने के लिए, अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करने के लिए। तो ये पर्सन ना सुबह से ही ध्यान लगा रहा है, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, अपनी मिस्टेक्स को सुधारना चाहता है। इस पर्सन को पता है इसने आपके साथ बहुत गलत कर दिया है। इस पर्सन को ना सुबह से ही इस चीज़ का एहसास हो रहा है, बट ये पर्सन ना आपकी लाइफ में वापस आना नहीं चाहता। ऐसा लग रहा है इस पर्सन की लाइफ में कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना ये आपकी लाइफ में आना नहीं चाहता है, आ नहीं पा रहा है, और इस पर्सन को किसी अच्छे वक्त का इंतज़ार है। ऐसा लगता है मुझे ये किसी राइट टाइम का वेट कर रहा है। इस पर्सन ने कोई ना कोई अपना ऐसा गोल डिसाइड किया है और किसी ना किसी अचीवमेंट का इंतज़ार कर रहा है, और जब तक ये पर्सन कुछ ना कुछ अचीव नहीं कर लेता ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने का, तो मुझे लगता है नहीं सोच सकते, क्योंकि ये पर्सन ना नेगेटिविटी से भरा पड़ा है। इस पर्सन की लाइफ में नेगेटिविटी भरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन खुशियों की तलाश में है और ये खुशियाँ इससे रूठी हुई हैं, और ऐसा लगता है इस पर्सन को ना इसका ही कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ये पर्सन चाहता है अपनी ज़िंदगी में शांति ही शांति, और उतना ही इसे दुख मिले जा रहा है। ये पर्सन ना जितना भी खुश रहने की कोशिश कर रहा है उतना ही दुख इसकी ज़िंदगी में आता जा रहा है। ओके व्यूअर्स, तो आज सुबह से ये पर्सन ना गिल्ट में है, काफ़ी परेशान है, और इसके दिल और दिमाग में जैसे कि कोहराम सा मचा हुआ है।
और एक के बाद एक आपकी यादें इस पर्सन के दिल और दिमाग में चलती जा रही हैं, और ये पर्सन सोचना भी नहीं चाहे तो भी आपकी यादें इसे बहुत परेशान कर रही हैं। ओके व्यूवर्स, तो आज सुबह से ही ये पर्सन ना नेगेटिविटी से भरा पड़ा है। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय।